हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य, और आज हम लोग अपने MS चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लेवल 2 का क्वेश्चन 1, जो कि एक कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हलाइट्स विथ मैग्नीशियम। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, RX प्लस मैग्नीशियम, और यहाँ पे Et2O लिख के RMgX बना दिया है। तो बोलता है कि कौन सा आपका करेक्ट होना चाहिए रिएक्टिविटी ऑफ हलाइट। तो आप एक बार बताइए, जैसे आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला कौन सा बॉन्ड है, ये RX बॉन्ड है। अब ये जितना ज़्यादा वीक बॉन्ड होगा उससे उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जितना जल्दी ब्रेक होगा, तो जितना वीक होगा उतना जल्दी ब्रेक होगा, उतना जल्दी ये मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कर जाएगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप बताइए इसमें सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, RI वाला वीकेस्ट हो जाएगा। तो हमारी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, RI, RBR, RCN। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एसिड बेस रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा एसिड बेस रिएक्शन जाएगा। देखिए जितने भी यहाँ पे ऑप्शन प्रेजेंट है, जैसे ये अल्कोहल है तो इसमें ये एसिडिक एच हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये एसिडिक एच हो जाएगा, और यहाँ पे ये टर्मिनल अल्काइन है तो ये एसिडिक एच है। सभी में एसिडिक एच प्रेजेंट है, इस वजह से क्या हो जाएंगे, ये सभी सभी एसिड बेस रिएक्शन को देंगे। इस वजह से क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट विल गिव प्राइमरी एल्कोहल एज मेजर प्रोडक्ट वेन रिएक्ट विथ RMgX। ध्यान रखिए यहाँ पे RMgX एक ही मोल आपको लेना है। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, RMgX का R माइनस अप्रोच करेगा, यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। अगर ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर जाएगा तो आप बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2, फिर इधर से CH2, यहाँ से R, और इधर से क्या अटैच हो जाएगा, इस तरह से O माइनस अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से जो एल्कोहल बनेगा, आप बताइए ये एल्कोहल कैसा बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल ही बन रहा है। चलिए फर्स्ट में तो बन जाएगा, सेकंड बताइए, सेकंड में क्या होगा, इस तरह से जो R माइनस है ये यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक। फिर एसिडिफिकेशन करेंगे तो हो जाएगा एल्कोहल में। यहाँ पे देखिए ये जो इस कार्बन से एल्कोहल बनेगा, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, केवल एक कार्बन से कनेक्टेड होगा, आर से। इसका मतलब यहाँ से भी जो एल्कोहल बनेगा वो कैसा हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे बताइए कहाँ से अप्रोच करेगा, जो आर माइनस आएगा वो लेस हिंडर्ड साइड से आएगा। तो लेस हिंडर्ड साइड कौन सी है, ये लेस हिंडर्ड साइड है या ये, ऑब्वियस बात है ये लेस हिंडर्ड साइड है, ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आर माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा। तो यहाँ से ब्रेक करेगा तो यानी रिजल्टिंग चीज कैसी बन जाएगी, CH2CHO- यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH आ जाएगा। ये अल्कोहल कैसा बन रहा है, 2 डिग्री, यानी ये ऑप्शन में नहीं आ सकता। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये आपका कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है, एक कार्बन से कनेक्टेड है। अब जब इस पे आर माइनस अटैक करेगा इस चीज पे और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। तो अब देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड हो जाएगा, एक तो CH3 और एक यहाँ पे आर, तो 2 कार्बन से कनेक्टेड हो गया, 2 कार्बन से हो गया तो ये 1 डिग्री नहीं रहा। यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, अब जो आर माइनस है वो कैसे अप्रोच करेगा, जैसे यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। तो देखिए क्या बन गया, आर इस कार्बन से कनेक्टेड हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ माइनस। ठीक है, अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH आ जाएगा। अब देखिए जिस कार्बन से OH लगा है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, केवल और केवल एक कार्बन से ही कनेक्टेड है, तो यानी यहाँ से भी 1 डिग्री एल्कोहल आ जाएगा। यहाँ पे बताइए यहाँ पे जो R माइनस है, ये R माइनस किस साइड से अप्रोच करेगा, यहाँ पे अप्रोच करेगा या इस साइड पे अप्रोच करेगा, ऑब्वियस बात है ये हिंडर्ड है तो यहाँ नहीं कर सकता, यहीं करेगा। तो यानी जे बी ए यहाँ पे अप्रोच कर जाएगा तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा और यहीं पे एल्कोहल बनेगा। तो अब ये कार्बन इससे एल्कोहल बन रहा है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, देखिए 1 और 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसका मतलब यहाँ से बनने वाला एल्कोहल 2 डिग्री का होगा, प्राइमरी नहीं होगा, इस वजह से ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो किन किन जगह से हमको 1 डिग्री एल्कोहल मिल रहा है, 1, 2 और 5 से, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन डी, इसमें हमसे क्या बोल रहा है कि जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एक्स मोल्स ऑफ RMgX NH4Cl तो हमको क्या मिलता है, एक 3 डिग्री एल्कोहल मिलता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। देखिए क्या होगा, Cl C डबल बॉन्ड O OET क्या आ रहा है आपके पास, RMgX, R माइनस अप्रोच करेगा, ये बॉन्ड इस पर अटैक करेगा इस तरह से R माइनस, उसमें होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा, फिर ये रिवर्ट बैक करेगा, पहले स्टेप में ये Cl माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसा करने के बाद ये क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O O E T इस टाइप से बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बताइए फिर से ये R माइनस अप्रोच करेगा, R माइनस यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर ये रिवर्ट बैक करेगा और O E T क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा बताइए, अब इसके बाद होगा R C डबल बॉन्ड O
आर, इस टाइप से आ जाएगा। अब बताइए फिर से, अभी इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो एक बार और आर डैश अटैक कर सकता है आर माइनस, तो फिर से आर माइनस यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ के बाद ये क्या बन जाएगा, देखिए आर सी ओ माइनस आर और आर, इस टाइप से बन जाएगा ये। अब इसके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहीं पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो यानी कितने मोल लग गए आपके आर डैश के, देखिए वन एक यहाँ पे, दो यहाँ पे और तीन, तीन बार आर 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 एम जी इसका अटैक हुआ तब जाके ये 3 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 3 आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए आपका, जब भी आपके पास एस्टर है तो उस पर 3 बार अटैक होने के बाद ही वो 3 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। कंसेप्ट ध्यान सुनिए, मैंने क्या बोला, आपने क्या देखा, ये एक तो एस्टर है, यानी एस्टर में अगर दोनों तरफ लिविंग ग्रुप लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 3 बार अटैक होने के बावजूद ही वो क्या होगा आपका, कन्वर्ट हो पाएगा। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताना है एक्स मोल्स में। देखिए एक तो एसिडिक एच यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक एसिडिक एच यहाँ पे प्रेजेंट है तो एक बार रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। अब जरा ध्यान से बताइए यहाँ पे किस तरह से होगा, एक तो यहाँ से आ चुका है, अब ध्यान से देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ ई टी, अब हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पी एच एम जी बी आर, तो इसका पी एच माइनस यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर ये रिवर्ट बैक करेगा और ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए, ये कन्वर्ट हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, ये अपना आगे इस तरह से कनेक्टेड है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से ये पी एच माइनस यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आगे की पूरी कनेक्शन बनी हुई है, ये सी ओ माइनस पी एच और पी एच, फिर इसके हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरह से ओ एच आ जाएगा। तो आप बताइए कितने मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे अटैक किए, सोच के बताइए कितने मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक किए, एक तो यहाँ पे हो गया, फिर दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, यानी टोटल 1, 2 और 3, 3 बार अटैक हो रहा है, 2 तो इस सी डबल बॉन्ड ओ की वजह से हो रहा है और 1 बार इस एसिडिक वजह से, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, टोटल 3 आ जाएंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन एफ। क्वेश्चन एफ में क्या आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नॉट पॉसिबल। अब जिसमें भी देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, जहाँ पे खुद में कंपाउंड के अंदर एसिडिक एच प्रेजेंट होगा तो वो उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा और वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके अंदर एसिडिक एच है, यहाँ पे इसके पास एसिडिक एच है और ये, तो अगर खुद के पास कंपाउंड के पास खुद में ही एक एसिडिक एच प्रेजेंट है तो वहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से इसका क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑल ऑफ दिस। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी लेवल 1 में कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन रिएक्ट विद ETOH। ठीक है, ETOH मतलब C2H5OH गिव्स नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब जब चारों कार्बन क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड हो, एस प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरोआइसोमेरिज्म, स्टीरोआइसोमेरिज्म नहीं सोचना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आसान सा ही क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, आप एक बार ये इस तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लीजिए, देखिए CH3, CH2, 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 MgBr, आपके पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये है, दूसरा आप ले लीजिए CH3, CH2, CH2, CH3, एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ से लगा लीजिए, यहाँ पे MgBr कर लीजिए। अब बताइए इससे जो कार्बन आयन बनेगा, इससे जो कार्बन आयन बनेगा तो आप किस तरह से बनाएंगे, इससे जो कार्बन आयन बनेगा वो बनाएंगे CH3, CH2, CH2 माइनस, इस टाइप का। यहाँ से जो कार्बन आयन बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, CH3, CH2, CH माइनस, यहाँ पे बना देंगे CH3। अब ये रिएक्शन करे या नीचे वाला रिएक्शन करे, जब ये दोनों आपका C2H5OH के साथ में रिएक्शन करेगा, देखिए C2H5OH के साथ रिएक्शन कराने आ रहा है, तो जब ये रिएक्शन करेगा तो ये यहाँ से एक एसिडिक एच को रिमूव करवा लेगा और जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से एसिडिक एच को निकाल लेगा। तो यानी ये दोनों ऐसे आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहे हैं जब ये रिएक्शन कर रहे हैं आपका C2H5OH के साथ में, तो कैसा प्रोडक्ट दे रहे हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। ध्यान से रखिए नॉर्मल ही बोल रहा है, इसीलिए स्ट्रेट में ही सोच सकते हैं, तो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल दिया, आपको नॉर्मल ही सोचना है। तो कितने तरह के आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पॉसिबल हो रहे हैं, ओनली एंड ओनली 2 टाइप्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर पॉसिबल विद दैट। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आपको अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अच्छे से आता है तो आप बहुत ही अच्छे से आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं।
आपको पहले क्या करना है, आपका तरीका कैसे होना चाहिए पढ़ने का, सबसे पहले आपको लेवल वन से ही क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है। आप सीधा लेवल टू के क्वेश्चंस में आओगे तो इसमें क्या हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। तो पहले आप लेवल वन हमने पूरा का पूरा सॉल्व करके डाला हुआ है उसको एक बार आप सॉल्व करें, उसके बाद आप लेवल टू पे आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे MS चौहान के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का भी वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।